like start. मासी के साथ खेल रहे थे। हाँ, मैं बहुत बच गई थी। मैंने मार दी कंप्यूटर को। ओ शिट। कंप्यूटर के ही लगा। मैं तो बस जीत नहीं लगा मुझे देख। हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं रेडी होकर जा रही हूँ। मेरी सिस्टर का फ्लैट ओके हो गया है। अभी उन्होंने अपना पर्सनल वर्क नहीं कराया, बट बिल्डर की तरफ से उनका वर्क कंप्लीट हो गया है। तो वो पहुँच गई है अपनी सोसाइटी में। मुझे लगा वो यहाँ आएगी मुझे पिक करने, तो मैं जा रही हूँ। उसको लेट हो गया, मैं लेट ही थी, जस्ट सोने जा रही थी। और लिफ्ट का मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, फाइनली आ गई। तो अभी सिस्टर ने वर्क नहीं कराया है फ्लैट में, तो बस अभी जो बिल्डर की तरफ से कंप्लीट होकर मिलता है तो वही देखना है कि अभी क्या क्या ठीक कराना है, क्या नहीं ठीक कराना है। तो उन्होंने मुझे बुलाया है कि आकर देख लो आके। तो मैंने कहा ठीक है, चलो आती हूँ। बच्चे सो गए हैं, बच्चों को बेटी बेटी जग रही थी, बेटा सो गया है, वो भी सो जाएगी अभी थोड़ी देर में। मेरी सिस्टर है। सो ज़्यादा दूर नहीं है, डिस्टेंस बहुत दूर नहीं है, इतना भी पास भी नहीं है कि वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ, ऑटो वगैरह कुछ करना पड़ेगा। और काफ़ी दिन बाद मैं इतने डे में निकल रही हूँ, वरना बच्चों की वजह से निकलने का टाइम ही नहीं मिलता है, ना रात में, शाम को ही मिलता है, या मॉर्निंग में स्कूल ड्रॉप करो और पिक करो, इतना ही टाइम मिलता है। तो चलो, मैं बाहर आ चुकी हूँ। ओके, सो मैं सोसाइटी में पहुंच चुकी हूं और अभी दीदी को कॉल करना पड़ेगा। ऑफिस में है या फ्लैट में है, तो मैं एक बार कॉल कर लेती हूं। ओके, सो ये है सोसाइटी एंड दीदी को मैंने कॉल किया था। तो दीदी बाहर ही आ रही है फ्लैट से, क्योंकि वो अपने बेटे को लेकर आ गई और वो टायर्ड हो गया है और उसे भूख भी लग रही है। तो एक बार पहले हम मिल लेते हैं, उसके बाद हम अंदर चलेंगे। ओके, सो विवान आज फर्स्ट टाइम आया है अपना हाउस विजिट करने, फ्लैट। और ओपन करोगे? एक्साइटेड विवान? एक्साइटेड? ओ, ओपन भी नहीं हो रहा है। ये तो फिनिशिंग हो गई डोर की। तो आज क्लीनिंग है, लास्ट टाइम हम लोग आए थे क्लीनिंग नहीं है। चलो, हम लोग पहले बात कर लेते हैं, बाद में वीडियो ओपन करते हैं। विवान, हैप्पी? हैप्पी और नॉट? बताओ बताओ, ये वाला फ्लैट पसंद आया कि नहीं? अभी नीचे डर्टी सा देख रहा था, इसे पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, क्लीनिंग तो हो गई है, बस अब तुम्हें ही कराना है अपना तामझाम, जो भी कराना है। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही डर्टी था सारा कुछ, और अभी सब क्लीन हो चुका है। अब एग वगैरह लगनी है, आ जाओ। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं दूसरे का किसी का एग्जांपल के लिए देखने आए हैं, इंटीरियर वर्क कैसा किया है, फॉल सीलिंग वगैरह। तो इन भैया से कराने का सोच रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं किया है, तो जस्ट अभी विजिट करके देख रहे हैं कैसा करते हैं ये काम। ओके, सो हम लोग अपनी सोसाइटी में वापस आ गए हैं और ये रहा विवान। और दीदी चली गई थोड़ा मार्केट से सामान लेने। मैंने सोचा मैं चलती हूँ घर, और बहुत टायर्डनेस हो गई है, थोड़ी सी चाय कॉफ़ी कुछ बनाते हैं चल के। विवान, क्या खाओगे बताओ चाय के साथ? बिस्किट। बिस्किट, ठीक है चलो। तुम तो वो चीज़ वाला ब्रेड बोल रहे थे ना, चीज़ी ब्रेड। पर अभी नहीं, कल खाऊंगा। इसीलिए तो मम्मा मार्केट गई है, मम्मा को मार्केट दौड़ा दिया आपने, आ जाओ। वाह, रोशनी में आते ही चेहरा ही बदल जाता। आ जाओ, आओ, चलिए। ये भी ऊपर है, सारी ऊपर है। चलो, लिफ्ट आ रही है। वेट वेट वेट, लेट इट बी ओपन। एट। नो, मामा आ गई।
मैं आ गई, आपकी कैप नहीं हटी, तो मेरे बेटे की 4-5 दिन से कैप नहीं हट रही है, कंटिन्यू लगा कर रखता है। रश्मि दीदी आ रही है, कितने बजे उठाई है? ये तो अभी दोनों दोनों सोना, आप सोए ही नहीं थे मम्मा कहीं तो? लुक एट मी, आप सोए नहीं थे? अरे मैं गेम खेल रही थी। कौन सा गेम? फाइटिंग। किसके साथ? मास्क, मैंने ऐसे धक्का मारा तो मैं बच गई। मासी के साथ खेल रहे थे? हाँ, मैं बहुत बच गई थी। मैंने तो मार दी कंप्यूटर को। ओह शिट, कंप्यूटर के ही लगा। मैं तो बस जीत नहीं लगा, मुझे दे करते हैं। ये सारे कॉइंस मिली है? क्या किया कॉइंस से आपने? ये है मेरी छोटी सिस्टर, इसका नाम है ट्विंकल, ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ट्विंकल आज सिंगिंग करके दिखाएगी, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा सॉन्ग सिंग करती है। सुनाओगी ना ट्विंकल? तो ठीक है, सोच लो कौन सा सॉन्ग गाना है, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ और चाय बनाती हूँ फटाफट। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर पापड़ फ्राई कर रही हूँ, बना नहीं रही हूँ, ये मेरी मम्मी बनाती है पापड़, और हम लोग सारी बहनों को सेंड करती रहती है बना बना कर, और हम लोग बस गरम गरम फ्राई करके चाय के साथ खाते रहते हैं। शाम का टाइम है, बच्चों को पापड़ पसंद है और होममेड चीजें हैं, तो मैंने सोचा चलो पापड़ ही फ्राई कर लेते हैं, और चाय भी चढ़ा दिया है मैंने। हाँ बेटा, चावल के पापड़ मेरी मम्मी बनाती हैं, सारे ये चावल के और आलू के चिप्स वगैरह सारा मम्मी बनाती है, छोटे छोटे से होते हैं, चावल वैसे भी फूलता है, जब फ्राई करो देखो कितने बड़े बड़े साइज हो जाते हैं, तो इस बार मम्मी ने मेरी थोड़ा छोटे साइज ज्यादा बना दिए हैं चावल के पापड़, और यार खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं चावल के जो पापड़ होते हैं। चाय भी मैंने चढ़ा दी है साथ में, मैंने सोचा चाय के साथ तो मजा आती है कुछ भी खाने का, मेरे को सूखी चाय से नहीं पसंद है, चाय के साथ कुछ खाने का होना चाहिए। तो मैं बना रही हूँ पालक और तूर दाल मिक्स करिए, पालक बहुत अच्छी बनती है, ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर है, तो मैंने सोचा खाना खा के चली जाए मेरे यहाँ से, मैं बना रही हूँ खा के चली जाना। और तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही पतली पतली पालक है उसको कट कर लो, और दाल उसमें ऐड कर दो, मैंने पहले से धो लिया है दाल को, और इसमें बस मैं नमक ऐड करती हूँ और हल्दी ऐड करती हूँ, उसके बाद मैं सीटी लगा लेती हूँ। आप चाहो अगर जल्दबाजी में बहुत लोग बनाते हैं ना, तो इसमें टमाटर भी कट करके डाल सकते हैं, बस अनियन और गार्लिक से आप बाद में इसको जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाकर इसको बाद में तड़का लगा दो तो भी अच्छी बन जाती है। तो काफ़ी सारी दालें, तो देख के आप लोग को लग रहा है नमक ज़्यादा डाल दिया, बहुत सारी दालें, और थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, तो बाद में तो हल्दी नहीं ऐड करती मैं इस दाल में, तो अभी मैं ऐड कर दूँगी, बाद में इसका भी तड़का जब लगाऊंगी तब दिखाऊंगी, तब तक मैं चाय पीऊँगी जब तक ये दाल बन जाएगी, तो उसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से पानी कम लग रहा है, तो अगर पानी कम होता है तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, गर्म पानी आप जब तड़का लगा रहे हो तो उस टाइम पे भी ऐड कर सकते हो। तो बस मैंने लगा दिया इसमें ढक्कन, और एक हाई फ्लेम में सीटी आएगी, उसके बाद मैं इसको स्लो कर दूंगी 3-4 सीटी के बाद, फिर मैं इसको तड़का लगाऊंगी जब तक मैं जा रही हूँ चाय, तो चलो चाय पी लेते हैं फटाफट। तो चलो चाय वाय बन गई है और हम जा रहे हैं पीने, हस्बैंड भी आ गया मेरा। पापा से शिकायत हो गई हो तो आ जाओ। चाय पीकर मैं आ गई हूँ किचन पे, और मैंने यहाँ पर तेल चढ़ाकर इसमें हींग डाल दिया, और साथ में मैंने अनियन और उसमें गार्लिक भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था चॉप करके बारीक, और ग्रीन चिली भी ऐड की थी, उसको मैंने तेल में फ्राई कर लिया अच्छे से। और यहाँ पर दीदी क्लीनिंग कर रही है, हम मेरी हेल्प कर रही है थोड़ी सी, और फिर उसके बाद जब अनियन हो गया अच्छे से रेड टोस्ट के बाद, मैंने यहाँ पर टोमेटो ऐड कर दिया है, और इसको भी अच्छे से ऑयल रिलीज़ होने तक मैं इसे कुक करूँगी। और अभी मैं यहाँ पर कुछ मसाले, बेसिक मसाले जो होते हैं वो ऐड कर रही हूँ, रेड चिली एंड धनिया पाउडर, और कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। तो देख सकते हैं टोमेटो कुक हो गया है, मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, तेल कैसे कॉर्नर से साइड से दिख रहा होगा आप लोगों को, तो दाल देखिए एकदम परफेक्ट कुक हुई है, पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा मैं दाल निकाल रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा फ्राई की हुई स्पाइसी दाल नहीं खाएगा, और मैंने सारी दाल इसमें देखिए ऐड कर दी है, बहुत अच्छे से कुक हो गई, 1 मिनट के लिए कुक किया है मैंने, कलर काफ़ी अच्छा आ गया, बस अब गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी और राइस बनाऊँगी। तो खाना बनाकर मैं आ गई हूँ खाना खाने, और ये देखो नॉटी बॉय को, ये कभी बैठ के खाना खा ही नहीं सकता है। उन्हों खाना खाओगे? मैं खाना नहीं। तो ये कभी भी अपने मन से खाना खा ही नहीं सकता, बहुत रेयर है कि
चलो कुछ पसंद आ गया तो खा लिया। गुनू ओपन योर माउथ प्लीज। तो ये मैंने दाल इसके लिए जो निकाली थी उसमें मैंने रोटी मैश करके रखी थी, इजीली खा लेगा, बट अभी पीछे लग के खिलाना पड़ेगा, तब तक हम लोग खा लेते हैं। तो ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी हम राइस नहीं लेकर आए, राइस के साथ खाते हैं दाल। तो मैं तो राइस ज़रूर बनाती हूँ जब भी ये पालक की दाल बनाती हूँ। और ये मिर्च मैंने छोंक, मैंने नहीं मेरे हस्बैंड ने छोंकी है, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। आप प्लेन पराठा बनाते हो या फिर पूरी वगैरह, उसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। दाल कैसी बनी है? ठीक है, बहुत बढ़िया तो नहीं है बट हाँ अच्छी अच्छी है। मुझे भी बहुत पसंद है इस तरीके से पालक की राइस के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। रोटी के साथ भी अच्छी लगती है बट राइस के साथ ना दाल जो होती है ना चार चांद लग जाता है। तो चलो मैं खा लेती हूँ खाना, फिर आपसे बातें करती हूँ। ओके, सो हम सब डिनर करके आ चुके हैं और बहुत ही टाइम हो जाता है, ये बच्चे सोते नहीं हैं। सुनो नीनी नहीं आती आपको? और इसको देखो, मंकी को। और मैंने यहाँ पर अपनी सिस्टर को बैठाया हुआ है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सिंगिंग करती है, तो ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छा गाना गाने जा रही है। बैठो छोड़ना, इसका यूट्यूब पर चैनल भी है बट ये सिंगिंग नहीं करती। मैं इससे हमेशा बोलती हूँ वीडियो पोस्ट करो, बहुत ही अच्छा सिंगिंग करती है। और इंस्टा पे भी इसको काफ़ी ज़्यादा व्यूज आते हैं बट ये मान नहीं रही है मेरी बात, काफ़ी अच्छा सिंगिंग करती है। और सिट डाउन, तो लो आप ही कर लो, आई हेलो नहीं करोगे आप? जब बच्चों को कैमरे के सामने लाओ तो कुछ नहीं करे, वरना ऐसे ही हरकतें करते हैं ना सीरियसली। तो बहुत ही ऐसा सिंगिंग करती है और मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत साइड से यूट्यूब में अपना जो चैनल है उसको आगे, हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहा करो, इंस्टा भी पोस्ट करती रहो। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा सिंगिंग करती है, और इंस्टा की आईडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से इसका सॉन्ग सुन सकते हैं। इसने लिरिक्स भी अपने आप से एक बनाई हुई है, उसको गाया भी हुआ है, तो मैं आप लोग के साथ लिंक शेयर कर दूंगी। तो चलो अभी ज्यादा बातें नहीं करते और इसका सॉन्ग सुनते हैं। चलो डिसाइड कर लिया कौन सा गाना गाना है। कभी तो यूं हंसाते हो, कभी यूं ही रुलाते हो, गिला करूं कैसे तुझे, तुझी से मिलता चैन है, तुझी से मिलता चैन है, तू जो मुझसे दूर हो, जीवन मेरा बेरंग हो, अभी ना जाऊं छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाऊं छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वेरी नाइस। तो ये सॉन्ग के लिरिक्स पर ट्विंकल मतलब नव्या, इसका नव्या भी नाम है, तो इसने ही लिखा है, लास्ट का ही इसने ऐड किया जो सॉन्ग में है। तो अभी चलो, अभी थोड़ा सा बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे, और एक और सॉन्ग कोई मस्त सा अपने मन से गा के सुना दो, कोई भी जो तुम्हारा फेवरेट हो, जो तुम हमेशा गुनगुनाती हो, तो वही सुना दो। ओके सो नेक्स्ट स्टार्ट। नशा है बढ़ता जाए, कोई प्यार से घुंघटिया देता उठाए, अब बावरा हुआ मन जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम
नव्या की सिंगिंग हो चुकी है और ये बच्चे तंग करने लगे उसे, मासी मासी देख के परेशान करते रहते हैं सारा दिन। और आज तो बच्चे इतना ज्यादा तंग कर रहे थे, फिर भी उसने जैसे तैसे सिंगिंग कर ली। और किस दिन मैं फुर्सत में इससे बोलती हूँ अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लगा के सुनाएगी। और अभी फिलहाल वीडियो को करते हैं, बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, तो चलो अभी बेड टाइम हो गया है। गुनू से बाय 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 और एवरीवन से बाय और अलग अलग ओके ओके क्वाइट। तो ये मेरे गुनू की लैंग्वेज है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, मम्मा ही समझती है उसकी लैंग्वेज। और तो वीडियो को बस करते हैं फटाफट से एंड, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल में न्यू है तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना आपका मन है। और जिनको वैसे बोलने की जरूरत नहीं रहती है सब्सक्राइब करने की, जिनको करना होता है वो डेफिनेटली कर देते हैं, जिन्हें नहीं करना वो बोल के भी नहीं करते। तो लाइक शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे जिनको करना है प्लीज। एंड बाय बाय एंड टेक केयर से बाय।